अच्छा कोई इतनी सहजता से आसानी से संसार को कब छोड़ता है? तब छोड़ता है जब उसने पकड़ा ही ना हो। आप लोग पकड़ लेते हैं फिर छोड़ने में दिक्कत जाती है, इसलिए पकड़ो मत। आप ट्रेन में जब यात्रा करते हैं तो जिस सीट पर आप लोग बैठते हैं रिजर्वेशन होता है आपका, आप जिस सीट पर बैठते हैं आप कहते हैं ये हमारी सीट है, लेकिन आपका स्टेशन आते ही आप उस सीट को छोड़ देते हैं तो क्या छोड़ने में दुख होता है? अरे हम तो इस सीट में बैठे थे अब जा रहे हैं, सीट बहन कम मिलोगी अब के बिछड़े कम मिलेंगे, कोई ऐसा रोता है क्या? नहीं, क्यों नहीं रोता? क्योंकि आपने सीट को कुछ घंटे के लिए पकड़ा था, सदा के लिए पकड़ना आपका मन ही नहीं था। आपको ये अंदर से ज्ञान था कि थोड़ी देर के लिए ये सीट अपनी है, छोड़ना पड़ेगा, इसलिए जब छोड़ना पड़ेगा तो सीट से हमारा कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। क्यों मेरी माँ सही है? जैसे 12 घंटे में, 10 घंटे में, 18 घंटे में हमें ट्रेन की सीट छोड़नी पड़ती है, ऐसे 50 साल में, 70 साल में, 100 साल में, 20 साल में ये शरीर भी एक सीट है, ये भी छोड़ना पड़ेगा। परिवार भी एक सीट है, एक ना एक दिन हमें छोड़ना पड़ेगा पति को पत्नी को। तुम पति पत्नी आज साथ में हो, लेकिन ये सत्य है कि तुम दोनों में से एक को भगवान के घर पहले जाना पड़ेगा। अब पहले कौन जाएगा वो भगवान जानेंगे, लेकिन आज भले तुम कितना भी संग में रह लो, एक दिन अकेले रहना पड़ेगा, एक दिन अकेले रहना पड़ेगा। अब आप इसे हंस के स्वीकार करें या रो के स्वीकार करें इस सच्चाई को। इसलिए अभी से थोड़ा अटैचमेंट कम कम करना स्टार्ट करो, अभी से सीट छोड़ने की तैयारी में लग जाओ, छोड़ना है। आप ज्यादा पकड़ लेंगे और छूटेगी आप रोएंगे, नहीं हमारी सीट है हमारी सीट। अब किसी का स्टेशन आ गया और फिर भी वो सीट में बैठा रहे तो फिर वो कहे नहीं ये सीट अच्छी लग रही हम नहीं उतरेंगे, तो फिर नहीं उतरोगे तो लोग आके फिर आपको हाथ पकड़ के उतारेंगे, चलो उतरना पड़ेगा। ऐसे ये जिंदगी, बेटा बेटी पत्नी पति ये भी कुछ दिनों के लिए मिली सीट है ना, इसलिए मेरी माँ संसार में रहना बुरा नहीं है। गोपियों ने चुटकियों में परिवार को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? पकड़ा ही नहीं था। रहो संसार में, संसार के बीच में रहो, पकड़ो मत किसी को। पकड़ लेंगे हम तो छोड़ने में दिक्कत है, इसलिए आप लोग अपना एक हाथ जरा दूसरे हाथ से पकड़ो, ऐसे कस के जोर से, जोर से पकड़ना मेरी माँ, ऐसे पकड़ो, दबाओ हाथ और जोर से दबाओ कस के, मैया आप मेरी माँ, कितनी आलसी हो ना मेरी माँ, दबाओ हाथ और कस के, भाई आप भी दबा लो, साहब खड़े हो दबाए हो, अब छोड़ दो। बताओ पकड़ने में ज्यादा सुख था या छोड़ने में ज्यादा? बोलो जोर से और जोर से बोलो, यही तो समझा रहे हैं, छोड़ने में सुख है पकड़ने में नहीं। संसार को छोड़ देना ही समझदारी है, मरने के बाद छूटेगा सो छूटेगा, जीते जी ही अपना मन हटा लो, यही तो छोड़ना।
सबके साथ रहकर, सबके बीच में रहकर सबसे अलग रहो। सही है, समझ में आ रही है बात? पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, पर तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, तुम्हारे बिना रह ना पाएंगे, ये नाटक ना करो। कितने पति पत्नी ये नाटक करते हैं, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, ना रह पाएंगे, और जाने के बाद बिंदास जी रहे हैं। इसलिए जीना तो पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं, जीना ही पड़ेगा। समझ रही हो ना मेरी माँ? हंस के जियो या रो के जियो। इसलिए यदि सुखी रहना चाहते हो तो बच्चों के साथ रहना चाहिए। बेटा बेटी अच्छी चीज है, साथ में रहो, पर ज्यादा लगाव अटैचमेंट नहीं। ज्यादा लगाव भगवान के चरणों में, भगवान मेरे हैं, गोविंद मेरे हैं, गोपाल मेरे हैं, बेटा मेरा नहीं। ये बेटा भगवान को समर्पित कर दो। हे प्रभु, आपने दिया, ये आपकी संपत्ति है, ये सब आपका है, मेरा कुछ नहीं। आप ज्यादा बोझ अपने गोद में रख लेंगे, ज्यादा बड़ा झोला बांध लेंगे, तो आपको ही उठाने में दिक्कत होगी। झंझट आप ही पालते हैं, बाद में आपको ही रोना पड़ता है, है ना? इसलिए ज्यादा झंझट नहीं। गोपियां सारा छोड़कर आ गईं, बेटा छोड़ दिया, पति छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भी पति छोड़ दो, हम ये नहीं कहना चाहते कि आप भी, हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ के जंगल चले जाओ। ना मेरी माँ, आप घर पे ही रहो, पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो। व्यापार करते हो तो व्यापार बिजनेस करो, सारा काम करते हुए, काम करते हुए उस काम में कोई अटैचमेंट ना। अब आप कहेंगे महाराज जी कैसे पॉसिबल है? है संभव है। कैसे? काम वाली भाई आपके घर में झाड़ू अच्छे से लगाती है कि नहीं? बोलो हाँ। आपके घर का काम अच्छे से करती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो जोर से। काम अच्छे से करती है, झाड़ू पोंछा बराबर करती है, लेकिन आपके घर को वो अपना घर नहीं मानती। झाड़ू आपके घर में लगाएगी, लेकिन वो आपके घर को अपना घर, वो आपके बच्चे को तेल लगाएगी, मालिश करेगी, नहवाएगी, धुलाएगी, पर वो आपके बच्चे को अपना बच्चा नहीं मानती। बस यही तो सिद्धांत है। जैसे काम वाली भाई जिम्मेदारी पूरी कर रही है, काम पूरा कर रही है, पर वो अपना नहीं मानती। आप भी अपने घर में रह के सारे काम करो, सारी जिम्मेदारी पूरी करो, लेकिन संसार को, घर परिवार को अपना ना मानो। अपना तो भगवान को मान के चलो। काम वाली भाई आपके बच्चे को साफ करती है, नहवा धुला करके तेल मालिश करती है, लेकिन आपके बच्चे को अपना ना मानकर वो अपने बच्चे को अपना मानती है, हाँ या ना? वो झाड़ू पोंछा आपके घर में लगाती है, लेकिन आपके घर को अपना ना मानकर वो अपने घर को अपना मानती है, बोलो हाँ या ना? वो आपके घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी करती हुई, आप उसे पैसा गिनने को दे दो कि चलो ये 10,000 रुपए गिनो जरा, 10,000 है कि नहीं, वो पैसा गिनेगी, हिसाब किताब रखेगी। आप कहोगे अपने पास रख ले कुछ दिन के लिए, सुबह रख ले शाम को दे देना, पैसा आपका अपने पास रखेगी, लेकिन वो उस पैसे को भी अपना नहीं मानेगी जो उसके पास है, क्योंकि वो आपका है। बात सही है? क्यों नहीं मानेगी? उसे पता है ये पैसा मेरा नहीं। ऐसे ही तो जीवन जीना है। उस काम वाली भाई को गुरु बनाकर बहुत कुछ सीख सकते हैं कि आप जैसे वो काम वाली भाई सारा काम करती है पर मानती है ये मेरा नहीं, मेरा तो घर अलग है, उसी प्रकार आप संसार में रहो, सबके बन के रहो, पर सबको अपना ना मानो। आप सोचो कि मेरा घर तो दूसरा है, जहां से आया हूँ वहीं जाना, मैं भगवान के घर से आया हूँ, भगवान के घर जाऊंगा, वो मेरे हैं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यहाँ तो काम वाली भाई की तरह रहो और काम करते रहो जिंदगी। आप लोग भी क्या कर रहे हैं? सारी जिंदगी काम ही तो कर रहे हैं।
कामवाली बाई की तरह। क्यों जी? मैया आप लोग अपने घर में, आप पति अपने घर में क्या करती हो? कामवाली बाई की तरह सारी जिंदगी काम करती हो, काम ही काम, काम ही काम। पति की सेवा, सास की सेवा, ससुर की सेवा, बच्चों की सेवा, सेवा करते करते, काम करते करते तुम बूढ़ी हो जाती हो, काम करते करते मर जाती हो। बस काम वाली भाई और आप में गलती थी, काम वाली भाई और आप में फर्क इतना है कि काम वाली भाई काम करता हूँ करती हुई वो अपना नहीं मानती और आप काम करते हुए अपना मान लेते हैं ये मेरा है, ये गलती आप कर लेते हैं। आप भी काम करते हुए अपना ना मानो, अपना भगवान को मानो, ये मेरे हैं। ये सब संसार चलता रहेगा।